वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर टू, टेस्ट नंबर टू है इसकी की के साथ हाज़िर हूँ मैं और आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसमें आपने किस तरह से लिखना था और इसके एमसीक्यूज के क्या आंसर थे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, शुगर इन ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए इज़ डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्योंकि डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो इस वजह से इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन इसका आंसर है। इसी तरह से दूसरा एमसीक्यू, कार्बन कंबाइंस विद नाइट्रोजन इन अमीनो एसिड लिंकेज टू फॉर्म। तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज़ प्रेजेंट बिटवीन द अमीनो एसिड्स, प्रोटीन के अंदर ये होता है। इसी तरह से एमसीक्यू नंबर थ्री, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़, के पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है, 574 किलो कैलोरी पर केजी। सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। फोर एमसीक्यू, डैश इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, के कौन सी चीज़ है जो एनिमल में ज़्यादा पाई जाती है, मेजर मौजूद होती है, जैसे प्लांट्स के अंदर स्टार्च होती है तो एनिमल के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा है, तो एनिमल्स में ग्लाइकोजन। बी ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद है, द टू हेलिकल्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक डैश बॉन्ड, के दो जो थ्रेड्स होते हैं डीएनए के, स्ट्रैंड्स होते हैं, उनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है, तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बी ऑप्शन है इसका। सिक्स एमसीक्यू, हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ डैश चेन्स, हीमोग्लोबिन में कितनी चेन्स होती, सॉरी, हीमोग्लोबिन कंपोज्ड ऑफ फोर चेन्स डैश। अब इसमें कितनी चेन्स होती हैं, टू अल्फा एंड टू बीटा। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है कि दो अल्फा चेन्स होती हैं और दो बीटा चेन्स इसके अंदर होती हैं। इसी तरह से एमसीक्यू नंबर सेवन, आवर ब्लड नॉर्मली कंटेन डैश परसेंट ग्लूकोज, तो 0.08% इसका आंसर है। डी ऑप्शन है इसका आंसर। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सुक्रोज शुगर, केन में ये पाई जाती है सुक्रोज, और इसका फार्मूला क्या है, C12H22O11, तो ये इसका आंसर ए ऑप्शन इसका आंसर है। इसी तरह से जो शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ सेंगर, एफ सेंगर का वर्क इसमें आपने लिखना है जो कि प्राइमरी प्रोटीन के अंदर बताया हुआ है। अब इसमें जो एफ सेंगर है इसने क्या काम किया था, इसने बताया था कि जो इंसुलिन है वो कितने अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल है, 51 अमीनो एसिड होते हैं, टू चेन्स होती हैं 21 एंड 30 अमीनो एसिड्स की। इसी तरह से वाई आर फैट कंसीडर एज हाई एनर्जी कंपाउंड्स, फैट्स में ज़्यादा एनर्जी क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम होते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, सो दे आर हाई एनर्जी कंपाउंड। वाटर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल्स डैट कंटेन मॉलिक्यूल फ्रॉम टू डिफरेंट कैटेगरीज जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन विद प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइको प्रोटीन। इसके बाद व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड, ये जो डिस्कशन क्लास थी उसके अंदर मैंने ये फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया था, उसके अंदर शो भी किया हुआ था स्लाइड के ऊपर, आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, तो उसमें आपने फार्मूला इसका ड्रॉ करना था अमीनो एसिड का। व्हाट इज़ एस्टर, एस्टर क्या होता है और इसकी फॉर्मेशन, ये भी मैंने आपको डिस्कशन क्लास में बताई थी कि जब अल्कोहल और फैटी एसिड के दरमियान बॉन्ड बनता है तो उस कंपाउंड को एस्टर कहते हैं, और इसकी इक्वेशन आपने लिखनी थी इसमें। डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, तो ग्लोबुलर प्रोटीन जिसका स्फेरिकल गोल स्ट्रक्चर हो और फाइब्रस प्रोटीन जिसमें लीनियर चेन्स हो, लीनियर स्ट्रक्चर हो, वो फाइब्रस प्रोटीन कहलाते हैं। और इसकी जो मेजर एग्जांपल्स हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की, उसमें एंजाइम्स आ जाते हैं, एंटीबॉडीज आ जाती हैं इस तरह। और जो फाइब्रस प्रोटीन है उसके अंदर नेल्स हैं, हेयर है, हमारे मसल्स के अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं, दीज आर द फाइब्रस प्रोटीन। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फंक्शन 7-8 फंक्शन आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है, हमारे जो मसल्स हैं प्रोटीन पर मुश्तमिल हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो प्रोटीन है। तो मुख्तलिफ फंक्शन ये आपने इसके डिस्कस करने थे। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इसमें आपने हेडिंग्स के साथ इसको एक्सप्लेन करना था, वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसी तरह से हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन को एक्सप्लेन, हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करना था आपने, और इसके साथ आपने इसमें प्रोटेक्शन ऑफ वाटर, ये हेडिंग्स आपने एक्सप्लेन करनी थी इसमें। और राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए की टाइप्स क्या होती हैं, तीन टाइप्स आपको मैंने पढ़ाई थी, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसको आपने एक्सप्लेन करना था ये क्या होते हैं और इनके क्या फंक्शंस हैं। तो ये डिस्कशन है, इसके मुताबिक आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट पेपर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे।